हमारे साथ में अमृता पचौरी जी हैं, आईपीएक्स वार्ड की मंडल अध्यक्ष हैं। अमृता जी, आज आप यहां पर जो पहुंची है, सड़क पर उतरे हैं कार्यकर्ता बीजेपी की, क्या कहेंगी, क्या मांग है आज? कविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी ये बातें और हमारा ये विरोध, आप हमारे मुख्यमंत्री साहब जो घर में अपने आप को अरेस्ट बता रहे हैं और खुलेआम गलत विरोध में निकल रहे हैं, उनके लिए आप हमारे लिए यहाँ पे टाइम निकाल रही और हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रही, इसके लिए आपका सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं केजरीवाल जी से अपने निगम कर्मचारियों की, वो वेतन जो उनका अधिकार है, जिसके लिए उनको कार्य दिया गया है, जिनके लिए उनको अपॉइंट किया गया है, उस पैसे के लिए मांगने के लिए खड़े हैं, ना कि वो जो बड़े बड़े विज्ञापन है, हमें हर बस स्टैंड पे, हर दीवारों पे बड़े बड़े और हाईटेक विज्ञापन लगे हुए हैं, उनको उन पे पैसे खर्च हो रहे हैं। जो 18 साल के बच्चों को खड़े किया हुआ है, उसको आप एक तरह से बेरोजगार बना रहे हो, क्योंकि बेरोजगारी क्यों बना रहे हो आप, उन्हें बेकार में खड़ा किए हुए हो, उससे हमारा पॉल्यूशन लेवल कम नहीं होने वाला है। यहाँ तक कि मैं तो एक वकील हूँ, वकील के नाते हमने एक आईपीएल भी डाली हुई है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, जो कि हमारे जो वर्कर्स थे, जो हमारे मजदूर थे, जिनके लिए वो पैसा लेके और उन्हें पैसा नहीं दिया उन्होंने, उसके लिए भी हमने आईपीएल डाली हुई है। लेकिन ये तो हद ही कर दी उन्होंने कि हमारे वो वॉरियर्स जो कि दिन रात कोरोना काल में भी अपने आप को बीच में से निकाल के कार्य पे लगे रहे सुबह शाम, उनकी वेतन नहीं पहुंच रही है, वो फिर भी आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। अमृता जी, आपकी खुद की निगम पार्षद आप 6 दिन हो गए बैठे हैं, आप भी महिला हैं, शौचालय जैसी सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं नहीं है, केजरीवाल जी रोजाना आते जाते तो होंगे निवास पर, क्या कहेंगी मैडम? केजरीवाल जी ने अपना रास्ता बदल लिया है कविता जी, उन्होंने अपना एग्जिट गेट दूसरे पीछे वाले गेट से कर दिया, उन्होंने अनदेखा कर दिया। उनको 5 लाख जो किसान कर्मचारी बैठे हुए हैं, जिनको गलत धरने पे बिठाया हुआ है, उनका सपोर्ट करने वो पीछे के दरवाजे से निकल जा रहे, लेकिन हमारे 6 दिन से बैठे हुआ महिला पार्षदें हमारे सारे महापौरों को वो सुनने नहीं आ पा रहे हैं, उसी के विरोध में हम सारा संगठन एक साथ खड़े हैं और ये पैसा हम लेके रहेंगे। और केजरीवाल जी कितने दिनों तक हमसे भागते हैं ये हम भी देखेंगे, और हम कितने दिनों तक डटेंगे ये भी आप सब देखेंगे। आपने अमृता पचौरी जी का जोश देखा, आईपी एक्सटेंशन मंडल की वार्ड की अध्यक्ष हैं मंडल की, इन्हीं की निगम पार्षदा अमृता सॉरी हमारी अपर्णा गोयल जी भी वहां लगातार 6 दिन से बैठी हैं सपोर्ट में हमारे कर्मचारियों के, हमारे वृद्ध के लिए, क्योंकि उनकी पेंशन भी नहीं मिल पा रही, हमारे जनता के लिए।